बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 26 अप्रैल 2021 मंडे का दिन था, वीक का आज फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट ने कैसे परफॉर्मेंस दी, सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर आज प्लस में गए, कौन से नेगेटिव में। मार्केट बोर्स की बात करेंगे जिसमें वॉल्यूम 50,000 से अबव हो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे, आज के जो रिजल्ट अनाउंस हुए हैं उस पर एक नज़र डालेंगे, नेक्स्ट जो आने वाली बोर्ड मीटिंग और पे आउट्स की डिटेल्स है वो चेक करेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट देखेंगे। चलें शुरू करते हैं समरी आज की। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, थैंक यू। इंडेक्स जो है वो वीक का आगाज पॉजिटिव साइड से किया है, 976 पॉइंट्स के इजाफे के साथ इंडेक्स 45,682 के लेवल पे क्लोज हुआ है। 2.18% का जो है वो इंक्रीज देखा गया आज के दिन। तो सुबह नेगेटिव में ओपनिंग करके इंडेक्स ने जो है वो अपना लो जो लगाया है वो 44,390 का लगाया, 317 पॉइंट्स का डिक्लाइन था अर्ली आवर में 0.71%, लेकिन उसके बाद जो है वो तेजी आई मार्केट में और 45,952 का भी हाई लगाए, 1245 पॉइंट्स का इंट्राडे का हाई था 2.79%, लेकिन इंडेक्स जो है वो सेटल जो है वो 976 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 45,682 के लेवल पे बंद हुए। तो ओवरऑल जो है वो सेशन आज ग्रीन में ही ट्रेड होता रहा। आज की जो रैली थी वो ब्लू चिप और जो हैवी वेट्स थे इंडेक्स के उसकी बदौलत हुई है। तो 900 पॉइंट्स की जो तेजी है वो 15 मार्च के बाद जो है वो आज पहली बार हुई है, इससे पहले जो है वो 15 मार्च को 978 पॉइंट्स का इजाफा हुआ था इंडेक्स में। वॉल्यूम में भी आज इजाफा देखा गया, 204 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है आज, 5 डे की जो एवरेज है वो 148 मिलियन शेयर्स की है। ओवरऑल 67 स्क्रिप्ट अपसाइड पे थे कि ऐसे अंडर इंडेक्स के, 26 डाउन थे और 7 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गए। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर टॉप पे है, 238 पॉइंट्स ऐड किए हैं। प्लस साइड पे कमर्शियल बैंक्स दूसरा बड़ा सेक्टर था आज 177 पॉइंट्स के साथ, सीमेंट सेक्टर ने 99 पॉइंट्स, फर्टिलाइजर सेक्टर की तरफ से 87, फार्मास्यूटिकल्स ने 80 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए, टेक्नोलॉजी ने 80, पावर जनरेशन की तरफ से 77, जबकि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने भी 63 पॉइंट्स ऐड किए। फ्लिप साइड पे इंश्योरेंस की तरफ से 7, जबकि ऑटोमोबाइल असेंबलर ने 4 पॉइंट्स लूज किए। कंपनीज की अगर बात करें तो OGTCL टॉप पे है 102 पॉइंट्स के साथ, PPL ने 95 पॉइंट्स ऐड किए, हब पावर कंपनी लिमिटेड की तरफ से 77, TRG पाकिस्तान ने 60, लकी सीमेंट 57, HBL ने 55, पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने 50, एंग्रो कॉरपोरेशन ने 48 पॉइंट्स, सरले ने 44, जबकि बैंक अल हबीब की तरफ से 41 पॉइंट्स ऐड किए हुए। पाकिस्तान सुजुकी मोटर ने 9 पॉइंट्स निकाले हैं, जबकि इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज और आदम जी इंश्योरेंस की तरफ से 5-5 पॉइंट्स लूज हुए। सेक्टर्स की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे आज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज टॉप पे रही हैं 5.63% गेन के साथ, फार्मास्यूटिकल्स आज का दूसरा बड़ा सेक्टर था 4.57% इंक्रीज हुआ है, सिंथेटिक एंड रेयान सेक्टर 4.32% प्लस था, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज 2.98%, सीमेंट सेक्टर 2.38% प्लस था, पेपर एंड बोर्ड 2.21%, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 2%, शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 2%, कमर्शियल बैंक्स 1.96% और टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन भी 1.78% अपसाइड पे गई हैं। फ्लिप साइड की बात करें तो केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 1.37% डाउन, लेदर सेक्टर 0.59%, टेक्सटाइल स्पिनिंग्स 0.58% और क्लोज एंड म्यूचुअल फंड भी 0.53% डाउन साइड पे थे आज। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं, सबसे पहले आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स स्क्रिप्ट हैं वो चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे जो है आज टेलीकार्ड रहा है, 55 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम लगा है, 7.41% डाउन था, TRG पाकिस्तान 54 मिलियन वॉल्यूम के साथ 3.13% प्लस था, यूनिटी फूड में भी 26 मिलियन का वॉल्यूम है 2% अपसाइड पे था, WTL 21 मिलियन वॉल्यूम के साथ 1.28% आज डाउन था, सिल्क बैंक 16 मिलियन का वॉल्यूम है 4.5% प्लस, WGL 15 मिलियन वॉल्यूम के साथ 7.48% प्लस था, हम नेटवर्क में 14 मिलियंस का काम हुआ है 0.81% प्लस, बलूचिस्तान ग्लास में 13 मिलियंस के वॉल्यूम के साथ 6.52% डाउन साइड पे था, पाइको पेट्रोलियम में भी 10 मिलियंस का वॉल्यूम है 0.5% डाउन, जबकि फ्लाइंग सीमेंट्स के जो LOR थे उसमें भी 9 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है 39% जो है आज डाउन साइड पे गए हैं। तो आज के जो गेनर्स थे टॉप 10, उसमें टॉप पे जो है समीन टेक्सटाइल मिल है 12.71% प्लस था, सरले पाकिस्तान, ग्लास्को हेल्थ केयर कंज्यूमर और NICL 7.50% प्लस थे, पाकिस्तान पेट्रोलियम 7.49%, WGL 7.48%, सर्विस फैब्रिक 7.46%, OGDCL 7.35% प्लस था,
एबट लेबोरेटरी 6.70, जबकि डाइनो भी 6% आज अपसाइड पे गया। आज के जो लूजर्स थे टॉप 10 में, उसमें टॉप पे जो है वो फ्लाइंग सीमेंट्स के LOR 39% डाउन थे, HBL इन्वेस्टमेंट फंड 12.9% डाउन, नज़ीर कॉटन मिल 8.54%, टेलीकार्ड 7.41%, बिलाल फैब्रिक्स 7%, बलूचिस्तान ग्लास 6.52% डाउन, इम्पीरियल लिमिटेड 5.8%, पाकिस्तान सुजुकी मोटर 5.79%, मैकपैक फिल्म्स 5.23%, जबकि अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल्स भी 5% डाउन साइड पे गई। ये मूवर्स थे आज के। नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स में, सबसे पहले अपकमिंग बोर्ड मीटिंग देखते हैं। तो कल भी जो है वो 60+ बोर्ड मीटिंग्स हैं, जिसमें ग्रेस लीजिंग पाकिस्तान, जुबली जनरल इंश्योरेंस कंपनी, नेस्ले पाकिस्तान, ओटुस्का पाकिस्तान, खालिद सिराज टेक्सटाइल मिल्स, खैबर टेक्सटाइल मिल्स, यूनिटी फूड, 786 इन्वेस्टमेंट, आर्क पार्क इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, परिजन पेंट्स, EFU लाइफ एश्योरेंस, फर्स्ट पैरामाउंट मुदारबा, फर्स्ट UDL मुदारबा, फ्लाइंग सीमेंट्स, GOC पाकिस्तान, गुड लक इंडस्ट्रीज, हाजी मोहम्मद इस्माइल मिल्स, इमेज पाकिस्तान, मुबारक टेक्सटाइल मिल्स, पेस लिमिटेड, पाकिस्तान रिफाइनरी, समीन टेक्सटाइल मिल, थट्टा सीमेंट, जिल लिमिटेड, उसके बाद अस्करी जनरल इंश्योरेंस कंपनी का, फर्स्ट ट्राई स्टार मुदारबा, हाफिज इम्तियाज लिमिटेड, मिल्लत ट्रैक्टर, शीजान इंटरनेशनल, SME लीजिंग, KSB पम्प्स, बाटा पाकिस्तान, बाइको पेट्रोलियम, दाऊद हरकुलस कॉरपोरेशन, फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटी कॉरपोरेशन, फिलिप्स मोर्स पाकिस्तान लिमिटेड, रिलायंस वेविंग्स मिल लिमिटेड, रोशन पैकेजेस, सऊदी पाक लीजिंग कंपनी, सुहेल जूट मिल्स, सरलेका, आदम जी इंश्योरेंस, अल आबिद सिल्क मिल्क, बैंक इस्लामी पाकिस्तान, कोई नूर मिल्स, दीवान सीमेंट, फर्स्ट स्ट्रीट मैनुफैक्चरिंग मुदारबा, ग्लेस्को स्मिथ क्लिन लिमिटेड, पाकिस्तान होटल्स डेवलपर्स, पाकिस्तान ऑक्सीजन, साजगार इंजीनियरिंग, फर्स्ट इक्विटी मुदारबा, फर्स्ट पंजाब मुदारबा, पाकिस्तान सिंथेटिक्स लिमिटेड, थल लिमिटेड, ट्रीट कॉरपोरेशन, यूनाइटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स ब्रांड्स, दीवान सलमान, फर्स्ट नेशनल बैंक, गरीब वाला सीमेंट लिमिटेड, गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स, लक्की सीमेंट, दीवान ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, दो स्टील, अल गाजी ट्रैक्टर, दीवान फारूक मोटर्स और सिस्टम लिमिटेड। इनके जो है वो कल बोर्ड मीटिंग थे। पे आउट्स की बात करें तो डॉलमन सिटी का 33 पैसे का डिविडेंड है, 29 अप्रैल एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट है। बाड़ी पेट्रोलियम का 60 रुपये का डिविडेंड है, 29 अप्रैल इसकी भी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट स्क्रिप्ट है। रफान मेजिम प्रोडक्ट्स का 150 रुपये का डिविडेंड है, 30 अप्रैल एक्स डेट है, नॉन शरिया कंप्लाइंट है ये। मरी ब्रेवरी कंपनी का भी 5 रुपये का डिविडेंड है, 30 अप्रैल एक्स डेट है, नॉन शरिया स्क्रिप्ट है। अलाइट बैंक लिमिटेड का 2 रुपये का डिविडेंड है, 5 मई इसकी एक्स डेट बन रही है, नॉन शरिया स्क्रिप्ट है ये। अस्करी जनरल इंश्योरेंस कंपनी का 2.75 रुपये का डिविडेंड है और हबीब बैंक का 1.75 रुपये का, दोनों की 10 मई एक्स डेट है, दोनों ही नॉन शरिया है। MCB बैंक का भी 4.50 रुपये का डिविडेंड है, 10 मई इसकी भी एक्स डेट है, नॉन शरिया है। जबकि मीज़ान बैंक का 1.50 रुपये का डिविडेंड है, 10 मई इसकी एक्स डेट बन रही है, शरिया कंप्लाइंट स्क्रिप्ट है। तो आज के जो रिजल्ट अनाउंस हुए हैं वो चेक करते हैं। एटलस बैटरी ने अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया आज। थर्ड क्वार्टर में 10.57 रुपये की अर्निंग है, पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 91 पैसे की अर्निंग थी। ओवरऑल 9 मंथ की जो इनकी अर्निंग है वो 27.45 रुपये है, पिछले साल ये 5.45 रुपये लॉस पे थे। पे आउट में 10 रुपये का डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस किया है। पैकेजेस लिमिटेड का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था, फर्स्ट क्वार्टर में 7.80 रुपये की अर्निंग है अनकंसोलिडेटेड, और 18.39 रुपये जो है वो इनकी कंसोलिडेटेड EPS है। पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में 2.22 रुपये की अनकंसोलिडेटेड अर्निंग थी और 75 पैसे का इनका लॉस था कंसोलिडेटेड अर्निंग में। पे आउट अनाउंस कोई नहीं किया। नेक्स्ट जो रिजल्ट था वो DG खान सीमेंट का था। DGKC ने थर्ड क्वार्टर में 4.67 रुपये की अर्निंग दी है, लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर में 2.29 रुपये का लॉस था। ओवरऑल 9 मंथ की जो इनकी अर्निंग होगी है वो 6.50 रुपये पे आ चुकी है, पिछले साल 4.67 रुपये का लॉस चल रहा था। पे आउट अनाउंस कोई नहीं किया। JS इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था, फर्स्ट क्वार्टर में 90 पैसे का लॉस आया है, पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में 4.47 रुपये का लॉस था। पे आउट अनाउंस कोई नहीं किया। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था, थर्ड क्वार्टर में 7.43 रुपये की अर्निंग आई है अनकंसोलिडेटेड, और कंसोलिडेटेड की बात करें तो 12.56 रुपये की अर्निंग है, पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 2.57 रुपये का लॉस था और 1.51 रुपये का लॉस चल रहा था। तो 9 मंथ की जो टोटल अर्निंग है वो 15.87 रुपये की हो गई है, और अगर कंसोलिडेटेड देखें तो वो 32.69 रुपये की है।
लास्ट ईयर जो है वो 9 मंथ में 3.49 रुपये की अनकंसोलिडेटेड अर्निंग थी और 2.44 रुपये का लॉस चल रहा था। पे आउट जो है वो अनाउंस कोई नहीं किया। हाईटेक लुब्रिकेंट्स का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 1.01 रुपये की अर्निंग आई है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 8 पैसे की अर्निंग थी। ओवरऑल 9 मंथ की जो अर्निंग है वो 2.51 रुपये पे आ गई है। पिछले साल 1.51 रुपये का लॉस चल रहा था। पे आउट अनाउंस कोई नहीं किया। गनी ग्लास ने भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। थर्ड क्वार्टर में 1.11 रुपये की अर्निंग दी है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 72 पैसे की अर्निंग थी। तो 9 मंथ की जो अर्निंग है वो 3.43 रुपये है। पिछले साल 1.85 रुपये की अर्निंग पे कंपनी खड़ी थी। पे आउट में 2 रुपये का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है। गनी वैल्यू ग्लास का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 2.67 रुपये की अर्निंग आई है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 34 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल 9 मंथ की जो इनकी EPS है वो 5.92 रुपये है। 2020 में जो 9 मंथ की EPS थी वो 3.57 रुपये पर शेयर थी। पे आउट अनाउंस नहीं किया। बेस्ट वे सीमेंट्स का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 6.03 रुपये की अर्निंग आई है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 74 पैसे का लॉस चल रहा था। तो ओवरऑल 9 मंथ की जो इनकी EPS है वो 13.87 रुपये है। लास्ट ईयर के 9 मंथ में इनका 3 पैसे का लॉस चल रहा था। पे आउट में इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया 4 रुपये पर शेयर। नेशनल रिफाइनरी का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 21.44 रुपये की अर्निंग आई है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 64.32 रुपये की अर्निंग थी। तो 9 मंथ की जो अर्निंग है वो इनकी 11.15 रुपये पे टोटल है। पिछले साल 101.65 रुपये के लॉस पे कंपनी खड़ी थी। पे आउट अनाउंस कोई नहीं किया। ईकॉप लिमिटेड का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 2.56 रुपये की अर्निंग है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 25 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल 9 मंथ की जो इनकी टोटल अर्निंग है वो सिर्फ 34 पैसे है। लास्ट ईयर 4 रुपये के लॉस पे कंपनी थी। पे आउट अनाउंस नहीं किया। बुक्सले पेंट्स का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 1.35 रुपये की अर्निंग है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 23 पैसे का लॉस था। तो 9 मंथ की जो टोटल अर्निंग है वो 1.68 रुपये पे आ गई है। पिछले साल 11 पैसे की इनकी अर्निंग चल रही थी। पे आउट अनाउंस कोई नहीं किया। बाइफो ने भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। थर्ड क्वार्टर में 2.98 रुपये की अर्निंग दी है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 1.43 रुपये की अर्निंग थी। तो टोटल 9 मंथ की जो इनकी अर्निंग है वो 6.46 रुपये है। पिछले साल 6.19 रुपये पे कंपनी EPS थी। पे आउट जो है वो 2 रुपये का इसने डिविडेंड अनाउंस किया है। जेके स्पिनिंग मिल थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 4.69 रुपये की अर्निंग है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 3.09 रुपये की अर्निंग थी। तो ओवरऑल 9 मंथ की जो इनकी EPS है वो 11.37 रुपये है। पिछले साल 9 मंथ में 8.05 रुपये की इनकी अर्निंग थी। पे आउट अनाउंस कोई नहीं किया इन्होंने भी। इत्तेफाक आयरन ने भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। थर्ड क्वार्टर में 55 पैसे की इन्होंने अर्निंग दी है। पिछले साल 34 पैसे की इनके लॉस था थर्ड क्वार्टर में। 9 मंथ की जो इनकी टोटल अर्निंग है वो 1.33 रुपये है, जबकि लास्ट ईयर 9 मंथ में इनका 1.40 रुपये का लॉस था। पे आउट अनाउंस नहीं किया। इब्राहिम फैब्रिक्स लिमिटेड का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 10.22 रुपये की अर्निंग आई है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 17 पैसे की अर्निंग थी। तो 9 मंथ की टोटल अर्निंग जो है वो 13.99 रुपये हो गई है। पिछले साल 82 पैसे की इनकी सिर्फ अर्निंग थी। अब पे आउट अनाउंस कोई नहीं किया। बोलान कास्टिंग ने भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। थर्ड क्वार्टर में 7.53 रुपये की अर्निंग है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 7.31 रुपये का लॉस था। तो ओवरऑल 9 मंथ की जो इनकी टोटल अर्निंग होगी है वो 6.76 रुपये पे होगी है। पिछले साल 9 मंथ में इनका 14.98 रुपये का लॉस था। पे आउट अनाउंस कोई नहीं किया। अटक पेट्रोलियम ने भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। थर्ड क्वार्टर में 15.25 रुपये की अर्निंग आई है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 7.14 रुपये का लॉस था। तो ओवरऑल 9 मंथ की जो इनकी टोटल अर्निंग है वो 36.81 रुपये है। पिछले साल 8.75 रुपये की EPS थी 9 मंथ की। पे आउट जो है वो अनाउंस कोई नहीं किया। फिरोज सन्स लेबॉरेटरीज का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था। थर्ड क्वार्टर में 5.97 रुपये की अर्निंग है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 3.06 रुपये की अर्निंग थी। तो टोटल 9 मंथ की जो इनकी EPS है वो 13.95 रुपये होगी। पिछले साल 7.98 रुपये की अर्निंग थी। पे आउट अनाउंस नहीं किया। इत्तेहाद केमिकल ने भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है। थर्ड क्वार्टर में 1.06 रुपये की अर्निंग दी है। पिछले साल थर्ड क्वार्टर में सिर्फ 56 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल 9 मंथ की जो इनकी EPS है वो 6.10 रुपये है। पिछले साल सिर्फ 19 पैसे की इनकी EPS थी। पे आउट जो है वो अनाउंस नहीं किया कोई भी।
PIBTL का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था, थर्ड क्वार्टर में 20 पैसे की अर्निंग आई है, पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 11 पैसे का लॉस था। तो 9 मंथ की जो EPS है इनकी है वो 91 पैसे है, पिछले साल 38 पैसे की अर्निंग थी कंपनी की, पे आउट अनाउंस नहीं किया। डाइनो ने भी अपना थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट दिया है, थर्ड क्वार्टर में 14.54 रुपये की अर्निंग दी है, पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 7.03 रुपये की अर्निंग थी। ओवरऑल 9 मंथ की जो टोटल EPS है वो 41.55 रुपये पे आ गई है, पिछले साल 13.51 रुपये की अर्निंग थी, पे आउट जो है वो अनाउंस कोई नहीं किया। रूपाली पॉलिएस्टर का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था, थर्ड क्वार्टर में 6.20 रुपये की अर्निंग है, पिछले साल थर्ड क्वार्टर में 76 पैसे का लॉस था। तो 9 मंथ की जो अर्निंग है वो 10.22 रुपये है, पिछले साल 41 पैसे की अर्निंग थी। फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था, फर्स्ट क्वार्टर का आगाज प्रॉफिट से किया है, 98 पैसे की इनकी EPS आई है, पिछले साल 2.36 रुपये का लॉस चल रहा था, पे आउट अनाउंस नहीं किया कोई भी। पाकिस्तान डेटा कॉम का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट था, थर्ड क्वार्टर में 2.49 रुपये का लॉस आया है, पिछले साल प्रॉफिट में थी 55 पैसे के। तो 9 मंथ की जो अर्निंग इनकी है वो लॉस ही है, 2.70 रुपये का, पिछले साल 20 पैसे का लॉस था। तो 9 मंथ में इनका लॉस जो है वो इंक्रीज हुआ है। बैंक ऑफ खैबर का भी फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था, फर्स्ट क्वार्टर में 42 पैसे की अर्निंग आई है, पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो 52 पैसे की अर्निंग थी, पे आउट जो है वो अनाउंस कोई नहीं हुआ। तो अगर आपको डिटेल में जो है वो इंडेक्स और स्क्रिप्ट की टेक्निकल एनालिसिस रिक्वायर्ड होती है तो ये एक चैनल है JR ट्रेडर के नाम से, ये डेली जो है वो इंडेक्स प्लस जो स्क्रिप्ट होते हैं उसकी टेक्निकल्स जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ये चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली टेक्निकल अपडेट्स के लिए।